अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। राम कथा के विषय में गा रहे हैं तुलसी जी, कहते हैं मैंने ये राम कथा मेरे गुरु नरहरि जी से सौरव जी में सुनी थी। सूकर खेत सौरव जी को बोलते हैं, सुनिए कि मैं पुण्य निजे गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खे। मैं पुण्य दोबारा इसका मतलब पहले भी कभी सुनी थी तुलसी बाबा? हाँ, तुलसी बाबा कहते मैंने जाने कितनी बार संतों के पास सुनी पर उस समय मेरे समझ में नहीं आई। गुरु से भी मैंने बार बार सुनी, यदि भी गुरु के ही बार ही बारा समझ परी कछु मति अनुसार। मैंने बहुत बार सुनी लेकिन समझ में नहीं आई। लेकिन जब मैंने एक दिन दोबारा सुनी, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खे। मैंने बहुत सुनी, कई बार सुनी, फिर मैंने दोबारा सुनी, समझ नहीं तसुबाल पने तब आती रहे हुआ चे। मैंने मेरे गुरु नरहरि दास जी से सौरव जी में ये राम कथा बार बार सुनी, बार बार सुनी पर समझ नहीं पड़ी, क्योंकि एक बालपन था, कुछ अज्ञानता थी, अचेत था, मैं राम कथा को समझ नहीं। तब अति रहे अचे, तब मैं इतना जागरूक नहीं था। अब कोई अज्ञानता में भरा हो, बहुत कम उम्र का हो, उसको कोई ज्ञान दे तो वो पल्ले पड़े पड़े नहीं पड़े, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए भी एक अवस्था का होना जरूरी है, पाने के लिए कुछ मात्रा में जागना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि राम की कथा में दोनों ही जागे होंगे तो ही कथा समझ में आएगी, कहने वाला भी और सुनने वाला। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूं, समझे ये जीव जड़े कल मल ग्रिसति बिनु। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कहने वाला भी ज्ञानी हो, सुनने वाला भी ज्ञानी हो, क्योंकि कथा राम की गूढ़, राम की कथा बहुत गहरी है। ये हिंदी में जरूर है फिर भी बहुत गहरी है, समझना कठिन है। चौपाई पढ़ लेना समझ सरल हो सकता है, लेकिन उसको हृदय में अंतरस्थ करना कठिन, समझना कठिन। अरे मेरे गुरु ने मुझे कितनी बार सुनी ऐसी राम कथा, जो अपने गुरु से पाई पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी ने उस राम कथा की फिर महिमा बताई, इस पोथी की महिमा बताई। ये बात बताया आपको, रामचरितमानस की पोथी को आप साधारण नहीं समझे, ये राम जी का घर है। रामायण, राम प्लस आयन, आयन माने घर, राम का घर है ये। राम रूप विग्रह है, राम की मूर्ति है साधारण। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा है कि रामचरितमानस जिसके घर में रखी रहती है उस घर में भूत पिशाच दुष्ट आत्मा कभी नहीं है।